दिल वालों की नगरी दिल्ली, जहाँ इस दौड़ती भागती जिंदगी और करोड़ों धड़कनों के बीच बसा है एक माता का मंदिर, माँ झंडेवाला का मंदिर। तो आइए आज इस सफर की शुरुआत करते हैं। बता दें कि सफर की शुरुआत कुछ छोटी मोटी लंबी चौड़ी गलियों से होंगी, वही गलियां जो इस मंदिर का रास्ता दिखाती हैं। जैसे जैसे हम गलियों से आप बढ़ते हैं तो मंदिर में घंटियों की आवाज और लोगों की बढ़ती भीड़ से पता चलता है कि माता का दरबार नजदीक है। इन्हीं गली कूचों से होते हुए आज आपको गली न्यूज की टीम दर्शन करवाएगी माँ झंडेवाली का, वही मंदिर जहां हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ कभी अरावली की पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी। चांदनी चौक के व्यापारी बद्री भगत यहाँ आए और यहाँ की हरियाली देख काफी खुश हुए, साथ ही साथ उन्हें माता रानी का होने का आभास भी हुआ। माना यह भी जाता है कि बद्री भगत को देवी माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए और यहाँ विराजित होने के बारे में भी बताया। क्या था, उन्होंने देवी माँ की खोज शुरू कर भटकते भटकते वो एक गुफा तक पहुँचे, जिसके बाद उन्हें देवी माँ की एक भव्य मूर्ति दिखाई। हालांकि जब मूर्ति को निकालने का प्रयास किया गया तो मूर्ति खंडित हो गई। बाद में मूर्ति को गुफा के नीचे ही स्थापित कर दिया गया और उसके ऊपर ही इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। कहा यह भी जाता है कि मंदिर बनने के बाद भक्तों ने इस अष्टकोने मंदिर के शीर्ष पर एक झंडा लगाया और वो दूर दूर तक दिखाई देता था। उसके उसी के बाद से इसका नाम झंडेवालन पड़ गया। गुफा में पिछले 80 सालों से अखंड ज्योति जल रही है। अब इसे माँ का चमत्कार समझें या साइंस को उलझाने वाला सवाल, आपको कौन सी डोर पकड़नी है ये तो आप पर है। हम तो यहाँ कुछ नई शुरुआत करने आए हैं, वो भी तब जब लोग मीडिया से कुछ नया चाह रहे हैं। गली गली से पहुंचेगी गली न्यूज पर खबर।